जय हिंद। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पीजी के बहुत सारे कट ऑफ को देखेंगे जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा थोड़ी देर पहले ही निकाला गया है। तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बेसिकली यह MA भूगोल का कट ऑफ है, जिसमें जो है अनरिजर्व कैटेगरी वालों का जो कट ऑफ बना है वह 96 या फिर इससे अधिक पे बना है। तो जिसका भी नंबर 96 या फिर इससे अधिक है वह सभी स्टूडेंट जाके अपना एडमिशन जो है करा सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 10 तारीख को आपको एडमिशन कराना है। समय आपका 10 बजे से 2 बजे के बीच में रहेगा, ठीक है। अगला कट ऑफ देखते हैं। तो आपका जो अगला कट ऑफ है वह MSc होम साइंस का है, यानी कि MSc गृह विज्ञान का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जनरल का जो कट ऑफ है वह 78 नंबर पर बना है। OBC का जो कट ऑफ है वह बेसिकली 76 नंबर पर बना है। साथ ही साथ FC का जो कट ऑफ है वह 66 नंबर पर बना है, और जो FT का कट ऑफ है वह 64 नंबर पर बना है। और EWF के जितने भी अभ्यर्थी हैं वह एडमिशन के लिए कल जा सकते हैं। आप लोग यहां पर डेट देख सकते हैं, 10/8/2023 को इसका एडमिशन होगा, प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक गृह विज्ञान विभाग में। तो आप सभी लोग जाके वहाँ पर अपना एडमिशन करा सकते हैं। अब बात करते हैं MA इंग्लिश की। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि MA इंग्लिश का जो कट ऑफ है वह अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 120 नंबर पर बना है, और जो स्पेशल कैटेगरी में आएंगे जनरल वाले में उन सभी विद्यार्थियों को वहाँ पर बुलाया गया है। स्पेशल कैटेगरी में PH कैटेगरी या फिर जो है आपका बहुत सारा कैटेगरी जो स्पेशल कैटेगरी है वो उनका जो एडमिशन है कल उन सभी विद्यार्थियों को जो है बुलाया गया है, ठीक है। अच्छा, स्पेशल कैटेगरी में बहुत सारी कैटेगरी आती है, अगर आपके मन में कन्फ्यूजन हो तो मैंने इसको कई बार बता दिया है, आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। इसमें जो है PH कैटेगरी आता है, फिर आपका जो है DDU के, अगर DDU में कोई है आपका, ठीक है, DDU का एम्प्लॉय है तो उस कैटेगरी में भी आपका एडमिशन होता है, जिसमें वेटेज वगैरह मिलते हैं तो वह उन लोगों के लिए है, ठीक है। बात करते हैं अगले कट ऑफ की। तो जो अगला कट ऑफ है बेसिकली वह है MA हिंदी का। MA हिंदी का भी एडमिशन 10 तारीख को होगा। जिनका भी नंबर 98 या फिर इससे अधिक है वह सभी अभ्यर्थी जो है किसी भी कैटेगरी के हों जाके कल एडमिशन करा सकते हैं। अगले कट ऑफ की बात करें तो अगला जो कट ऑफ है बेसिकली हुआ है आपका MBA का। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि MBA का कट ऑफ अनरिजर्व के लिए 124, OBC का 108, FC का 80 नंबर, और FT का जो है 92 नंबर का कट ऑफ बना है। समय आप लोग यहां पर देख सकते हैं डेट, और यहां पर आप लोग समय देख सकते हैं, और जाके अपना जो है एडमिशन यहाँ पर देख सकते हैं कि मैनेजमेंट फैकल्टी में आप लोग करा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ MBA फूड पैकेजिंग और लॉजिस्टिक का जो कट ऑफ गया है वह 78 नंबर पर बना है। तो जिन्होंने भी फॉर्म भरा था MBA फूड पैकेजिंग एंड लॉजिस्टिक के लिए वह जाके कल एडमिशन करा सकते हैं। इनका जो एडमिशन कल नहीं होगा, इनका जो एडमिशन होगा 12 तारीख को होगा, और इनको भी ध्यान रखना है OBC FC और FT वालों का एडमिशन 11 को होगा और अनरिजर्व का एडमिशन केवल 10 को होगा, ठीक है। बात करते हैं अगले कट ऑफ की। तो अगला कट ऑफ है बेसिकली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं MA शिक्षा शास्त्र का, जिसमें जो है 10 तारीख को एडमिशन होगा, और इनमें जो है सभी विद्यार्थियों को बुलाया गया है जिनका भी नंबर 108 या फिर इससे अधिक नंबर तक है, ठीक है। तो आप लोग जाके एडमिशन करा सकते हैं। अगला कट ऑफ है आपका MA शारीरिक शिक्षा का। MA शारीरिक शिक्षा का भी एडमिशन कल होगा, जिनका भी नंबर 84 या फिर उससे अधिक है वह जाके एडमिशन ले सकते हैं। अगला कट ऑफ है MSc का, MSc प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी का, जिनका भी 126 नंबर या फिर इससे अधिक है अनारक्षित वर्ग में जाके एडमिशन करा सकते हैं। साथ ही साथ पर्यावरण विज्ञान में जिनका भी नंबर 54 या फिर इससे अधिक है MSc पर्यावरण विज्ञान में, यानी कि MSc इन्वायरमेंटल साइंस में जिनका भी नंबर 54 या फिर उससे अधिक है वह जाके एडमिशन ले सकते हैं। MSc एक्वाकल्चर का एडमिशन जो होगा 64 नंबर या फिर उससे अधिक अंक तक पाने वाले अभ्यर्थियों का होगा, ठीक है। और आप लोग जो है यहाँ पर डेट देख सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर समय देख सकते हैं। बात करते हैं अगले कट ऑफ की। तो अगला जो कट ऑफ है वह है आपका MA समाजशास्त्र का। तो MA समाजशास्त्र में जिन्होंने भी 100 नंबर या फिर इससे अधिक नंबर पाया है वह जाके एडमिशन ले सकते हैं, और जो भी समस्त क्षेत्रीय आरक्षण वाले कैटेगरी में आते हैं उनको जो है सभी विद्यार्थियों को बुलाया गया है। तो आप लोग जाके एडमिशन ले सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी में। समय आपका जो रहेगा रिपोर्टिंग टाइम वह 10 बजे रहने वाला है। अगले कट ऑफ की बात करें तो अगला कट ऑफ है MA
इतिहास का एमए हिस्ट्री का जो कट ऑफ गया है वह 66 नंबर पर बना है, जिनका भी 66 नंबर है वह कल जाके 12 बजे से 4 बजे के बीच में अपना एडमिशन ले सकते हैं। बात करते हैं अगले कट ऑफ की, तो अगला जो कट ऑफ है वह आपका है एमए अर्थशास्त्र का। एमए अर्थशास्त्र में जिन्होंने भी 88 या फिर इससे अधिक अंक तक पाया है अनारक्षित वर्ग में जाके एडमिशन ले सकते हैं, साथ ही साथ ओबीसी में यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग में 32 अंक या इससे अधिक अंक तक पाने वाले अभ्यर्थी जाके एडमिशन ले सकते हैं, और एससी और एसटी वाले जिन्होंने भी 64 नंबर पाया है या फिर इससे अधिक अंक तक पाए हैं तो जाके एडमिशन ले सकते हैं। अगला जो कट ऑफ है आप लोग देख सकते हैं कि एमए प्राचीन इतिहास का है, तो एमए प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृत विषय में जिनको भी प्रवेश लेना है उनका जो कट ऑफ है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे दिया गया है, 60 अंक या फिर इससे अधिक अंक तक पाने वाले अभ्यर्थी जो है कल 10 बजे से 4 बजे के बीच में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बेसिकली आपके इतने ही कट ऑफ आए थे, बाकी के कट ऑफ मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।